हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने आई होप कि थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो अपना इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी जो हमारा IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उससे भी बड़ा जो एयरपोर्ट है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नोएडा के अंदर आता है, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आई है। उसकी स्टार्ट होने की डेट भी आ गई है और फेज़ वगैरह भी पता चल गया कि कब से डोमेस्टिक फ़्लाइट होंगी और क्या क्या होएगा इसके अंदर। तो यार ये वीडियो है ना काफ़ी कमाल की है। जो लोग हिसार से देख रहे हैं और जो आसपास से देख रहे हो, कहीं से देख रहे हो, तो यार ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी मस्त है। अपने इंडिया के लिए भी प्राउड की बात है कि चलो भाई अपना देश में पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटी होंगी, तो वो सारी हम भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आप सभी के कुछ कमेंट वगैरह भी आए थे तो उनके बारे में भी मेरे को बात करनी है और आगे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ दूंगा। तो सबसे पहले आप एक बारी फ़ोन पे जाके चेकआउट करिए कि क्या अपडेट आई है एयरपोर्ट से रिलेटेड, फिर उसके बाद जो है मैं आपको आउटडोर में मिलता हूँ और वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन सी क्या अपडेट है। तो पहले वो मोबाइल की देखिए, फिर उसके बाद मिलता हूँ। आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो क्या अपडेट है जो अपना जेवर एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल, तो काफ़ी अच्छा अपडेट है वो मैं बात करता हूँ। तो चलिए अभी मैं गैलरी ओपन करता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2024 के चुनाव बाद ही खुलेगा जेवर एयरपोर्ट, इस तारीख को होगा चालू। तो यहाँ पे देखिए देश में साल 2024 में आम चुनाव जो है वो होने हैं, यानी 24 में हमारे जो है केंद्र सरकार के और जो हरियाणा से लोग देख रहे हैं तो हरियाणा सरकार के भी जो है राज्य के चुनाव होने वाले हैं 24 के अंदर। इस बीच खबर यह है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट चुनाव के बाद ही जो चालू होगा, ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा जेवर एयरपोर्ट, IGI से भी बड़ा होगा। यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO अरुण वीर सिंह ने इसके शुरू होने की जो तारीख भी है वो बता दी है, जो इसकी तारीख है वो भी बता दी है कब स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने की तारीख का खुलासा हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के जो है वो CEO अरुण वीर सिंह ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है। यह अगले साल 2024 में चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह आम चुनाव से पहले चालू होगा तो आपकी थोड़ी मायूसी होगी, यानी थोड़ी मायूसी होगी, लेकिन चुनाव के बाद ही स्टार्ट होगा ये। हालांकि इस एयरपोर्ट के शुरू होने की तारीख सामने आ गई है। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट पर पहले ही तीन करीब 50 लाख यात्रियों के उड़ान भरने की उम्मीद की जा रही है, यानी पहले ही दिन जो 50 लाख यात्रियों के उड़ान भरने की वो है की जा रही है उम्मीद। तो यहाँ पे देखिए, अक्सर चुनाव से पहले सरकारों की कोशिश बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने या उनका उद्घाटन करने की होती है। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक खंड का उद्घाटन राजस्थान के दौसा में किया गया। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होनी है, तो यहाँ पे इस साल में जो है वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव वो होने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तारीख को चालू होगा एयरपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL के CEO अरुण वीर सिंह ने एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में कहा है कि नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज़ का काम 30 सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, बाकी यात्रियों और कार्गो की क्षमता के हिसाब से अन्य फेज़ में जो है काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने डेट वगैरह दी है कि 30 सितंबर 2023 को ये स्टार्ट हो जाएगा पहला फेज़, फिर उसके बाद जो धीरे धीरे अगले फेज़ है वो होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट पर मार्च 2024 तक ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है, जबकि रेगुलर कमर्शियल और कार्गो फ्लाइट जुलाई 2024 से शुरू हो सकती है। वहीं पहली पैसेंजर फ्लाइट की यहां से 1 अक्टूबर 2024 से उड़ान भरने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन जून 2021 में शुरू हुआ था। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG के साथ मिलकर टाटा प्रोजेक्ट इसका विकास कर रही है। इसका कंस्ट्रक्शन 1095 दिन में जो है वो पूरा होना है। तो यहाँ पर देखिए, 5 साल में 3 करोड़ यात्री भरेंगे उड़ान।
अरुण वीर सिंह ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट को चालू होने के साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से एक साथ उड़ान भरना चालू कर देंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रभावित किए बिना यहां से पहले दिन 50 लाख यात्री जावा उड़ान भरने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के हर साल 15-20% की रफ्तार से ग्रोथ करने की संभावना है। ऐसे में अगले 5 साल में यहाँ से उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या 3 करोड़ तक पहुँच सकती है, जबकि उन्होंने अगले 5 साल से बढ़कर यह 5 करोड़ हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब बनेगा एयरपोर्ट। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के एयरपोर्ट की तरह एक ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को फ्लाइट बदलने की सुविधा देगा। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके लिए टाटा ग्रुप, इंडिगो, स्पाइसजेट और अन्य एयरलाइन से बातचीत जो है वो कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो यहाँ 5 रनवे होंगे, साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर और हेवरोल फैसिलिटी भी होगी यहाँ पे। और इस तरह इसकी टोटल कैपेसिटी 22.5 करोड़ यात्रियों की उम्मीद की है। यह बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बनेगी, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। इसमें मैंने डेट भी आपको, जो मेन बात है डेट वगैरह है, वो रिवील कर दी गई है कब स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहला फेज 30 सितंबर 2023 को, और जो फ्लाइट वगैरह है वो कब से स्टार्ट होंगी, 1 अक्टूबर 2024 से होने की उम्मीद है। बाकी मैं आपको आउटर में बात करता हूँ। आई होप आपने वो अपडेट वगैरह देख ली होगी कि हमारा जो है वो 30 सितंबर 2024 को एयरपोर्ट स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर 2024 से जो है वो फ्लाइट वगैरह स्टार्ट होंगी। और जो ये एयरपोर्ट है ना, अपने इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिट हब भी होगा। मान लो किसी को कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, उसको मान लो फॉर एग्जांपल उसको जर्मनी जाना है, तो वो क्या करेगा, बीच में ट्रांजिट ले सकता है, यानी वो इंडिया में आएगा, अपने इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, वो एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रांजिट करके दूसरी फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे जा सकता है। तो ये जितने भी बड़े बड़े कंट्री यार, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ट्रांजिट वो वीज़ा वगैरह लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से हो जाता है अपना। तो यार काफ़ी अच्छी बात है। फिर कार्गो भी है, ये डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, और इसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी जो है वो पॉपुलेशन वगैरह ट्रैवल करेगी। 5 साल में शायद 3 करोड़ के लगभग जो है वो, इतने एग्जैक्ट तो पता नहीं मेरे को, बाकी मैं आप देख लेना, इतने कुछ 3 करोड़ के आसपास जो है वो ट्रैवल करेंगे। और इसकी ग्रोथ रेट 5-10% से भी ऊपर है पर ईयर की। तो यार काफ़ी अच्छी बात है। चलो ये बात होगी रिवील वगैरह की, हाँ भाई बढ़िया है कि अपना 2024 चुनाव भी होने हैं, हाँ फिर इलेक्शन वगैरह भी होने हैं, अपने हरियाणा में भी होंगे 24 में और अपने सेंटर के भी, और 23 में राजस्थान के अंदर होने हैं। तो यार ये तो थी अपने इसके बारे में। अब कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई अपना जो हिसार के अंदर रिंग रोड वगैरह है उसके बारे में अपडेट लेके आओ। तो रिंग रोड का भाई ऐसा है, अभी जैसे ही अपडेट, वो उसका काम है वो अभी बीच में है, तो जैसी कोई अपडेट आएगी मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर डालूंगा। और एक और भाई का कमेंट आया था कि वो शायद मिर्ज़ापुर से रिंग रोड कह रहे थे शायद हिसार की तरफ, तो अभी उसके तो कोई प्लानिंग है नहीं। बाकी अगर कुछ अपडेट आता है और प्लानिंग आती है तो मैं उसके अंदर वीडियो जरूर कर दूंगा, यानी अपलोड जरूर कर दूंगा। तो आई होप आपने अपना टाइम वगैरह दिया होगा तो आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।